नमस्कार, आप देख रहे हैं टहलका डॉट न्यूज और मैं हूं सौरभ शर्मा। बात करते हैं आज के कुछ कार्यक्रमों की। मानी समाज वेलफेयर सोसाइटी व राजस्थान सलमान यूथ कमेटी के द्वारा समाज का पहला प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस प्रोग्राम में समाज के होनहार बच्चों, सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक कार्य करने वाले समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अमीन कागजी, विधायक किशन पोल और पंकज कुमार CMO ऑफिस से रहे। मैं मोहम्मद हफी, राजस्थान सलमान यूथ कमेटी जयपुर के सचिव के तौर पे पद पर कार्यरत हूँ। हमारी कमेटी 18 अगस्त 2018 को कायम की गई और इसका एक ही मोटिव है कि सिर्फ बच्चों की तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि हम हमारी कौम को आगे बढ़ा सकें। हमारी कौम आज बहुत पिछड़ी हुई कौम है, बहुत सारे इसमें मामलात हैं लेकिन वो हमारे सही नहीं हो पा रहे, वो सही जो है तालीम के द्वारा ही सही हो सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो तालीम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को आगे बढ़ाएं और साथ ही जो सरकारी डिपार्टमेंट में जितनी भी योजनाएँ हैं उन सारी योजनाओं से हम हमारे जो जिम्मेदार अधरात हैं उनके ज़रिए हमारी कौम को, हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हफीम, पद सचिव राजस्थान सलमान यूथ कमेटी जयपुर। लोग भी बताओ, हम सरकार से आज के प्रोग्राम में हमारे जो लोग मुख्य अतिथि आए और हमारे समाज के जो लोग आए हम उनका शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमारे नौजवान लड़का लड़कियों को आगे तालीम के लिए स्कूल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, उसके लिए हमारी संस्था के माध्यम से हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि हमारी संस्था को ज़मीन दी जाए 10-20 बीघा जिसके अंदर स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जाए। कि हमारी ये संस्था जो है बहुत बिछड़ी हुई संस्था है, ये समाज की सबसे कमज़ोर संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में कई लाख आदमी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था को बहुत ही कमज़ोर संस्था है, इसको आगे तरक्की के लिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग करते हैं कि हमारी इस संस्था के माध्यम से राजस्थान में और जयपुर के अंदर कम से कम 10-20 बीघा ज़मीन देकर इनको सम्मानित करें और इनकी संस्था के लोगों को आगे तरक्की के लिए आगे बढ़ाएँ और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए एक ऐसे ही हमारी संस्था के माध्यम से पैसा दें और उनको स्कॉलरशिप दें ताकि हमारी बच्चा बच्ची ये पढ़कर आगे तरक्की कर पाए। आज कितने बच्चों को आपने सम्मानित? आज हमारे करीब 255 आदमी जो हमारे इस संस्था के माध्यम से जिन बच्चों ने तरक्की करी है और बड़ी मेहनत से तरक्की करी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और इनको अगला जो फर्जन होगा हमारा वो हमारा और बड़ा होगा। हम उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बुलाना चाहेंगे उसके अंदर, और हमारे जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं रफीक भाई, अमीन काजी साहब, दुरुनिया जी और काफ़ी लोग हैं हमारे जो अल्पसंख्यक समाज से लोग जुड़े हुए मंत्री हैं जो हमारी पैरवी करते हैं, हमारे समाज के लिए तरक्की करते हैं। हम चाहेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे आगे बढ़े और आप अपने तवज्जो देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग करें। मेरा नाम जाकिर खान है, मुझे इन संस्था ने प्रवक्ता बनाया, मैं पूर्व पार्षद हूँ जाकिर भाई, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबका जो है यहाँ पर सबका भी शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हर साल होते रहे, बच्चे खूब तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपके नाम? अब्दुल सत्तार।